हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मुटरैक। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस चैनल में हम जनरली ट्रेडिंग की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, मार्केट्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दो वीडियोस पोस्ट करने के बाद मुझे आपकी अनगिनत क्वेरीज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आई। लोगों ने मुझे मेल लिखा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया और तरह तरह की अपनी क्वेरीज मेरे सामने रखी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ साझा की। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके हर एक मैसेज का रिस्पॉन्स दूँ। अगर आपको मेरा रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी कारण से, या वो रिस्पॉन्स आपके आशा के अनुसार नहीं रहा, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज़ को मैं यहाँ पे एड्रेस कर सकूं और आपको अपनी समझ के हिसाब से गाइड कर सकूं। तो इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी जो डाउट्स हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे बेचा जाता है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप म्यूचुअल फंड का सारा खेल समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक जो होती है वो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड को चलाती है, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हो गया, निपोन लाइफ हो गया, या बहुत सारी बैंक्स की भी एक अलग अलग कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड को चलाती हैं, लेकिन वो म्यूचुअल फंड को बेचती नहीं है। तो म्यूचुअल फंड कैसे बिकता है? म्यूचुअल फंड आपको आपका बैंक बेचता है, या कुछ ऑनलाइन साइट्स भी हैं जहां से आप जाके म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में आपको जो म्यूचुअल फंड बेचा जाता है वो बैंक्स के थ्रू बेचा जाता है। जी हाँ, वही बैंक्स जिसमें आप अपनी सेविंग्स रखते हैं, आप अपनी एफडीज रखते हैं। तो ये हमें खेल को समझने की जरूरत है कि कैसे बैंक्स आपको म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं तो उसी वक्त आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर या आरएम असाइन किया जाता है। उस आरएम को एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि तुम्हें हर महीने, हर क्वार्टर और हर साल इतने लाखों का या इतने करोड़ों का म्यूचुअल फंड बेचना है या इंश्योरेंस बेचना है। मान लीजिए कि उस आरएम की सैलरी 10 लाख रुपए है, तो उसकी 5 लाख रुपए एक्चुअल सैलरी होती है और बाकी के जो 5 लाख होते हैं वो इंसेंटिव होता है जो उसको तभी मिलेगा जब वो अपने टारगेट्स को मीट करेगा। और अगर वो टारगेट्स को मीट नहीं करेगा तो उसे आमतौर पे नौकरी से निकाल दिया जाता है या डिमोट कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि हर दिन शाम को 6 बजे या 7 बजे सारे आरएम्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है और वो आरएम के ऊपर जो उनके बॉस होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं वो भी उस मीटिंग में होते हैं। और हर दिन वो आरएम से पूछा जाता है, हाँ भाई तुमने कितने का म्यूचुअल फंड बेचा, तुमने कितने का बेचा, तुमने कितने का बेचा। और जो लोग म्यूचुअल फंड कम बेचते हैं या नहीं बेच पाते हैं उनकी क्लास लगाई जाती है, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, मेंटली हरास किया जाता है, यहाँ तक कि उनको पनिशमेंट दिया जाता है। कैसे पनिशमेंट दिया जाता है? उनको बोला जाता है कि कल तुम इस ऑफिस में नहीं आओगे, जो इस स्टेट के जो सबसे कोने में सबसे दूर ऑफिस है वहां तुम जाओगे, ताकि उसको जाने में 2 घंटे लग जाएं, आने में 2 घंटे लग जाएं। एक तरीके का बेसिकली हरासमेंट। तो इस तरीके से एक उन पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो अब आप बताइए, जब वो आरएम आपको म्यूचुअल फंड बेचने आएगा तो क्या आपको वो सही सलाह देगा? उसके बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ एक चीज होगी कि कैसे मैं अपने क्लाइंट को म्यूचुअल फंड बेच दूं ताकि मेरा टारगेट मीट हो जाए, ताकि मुझे गाली ना सुननी पड़े। तो इस खेल में जो शरीफ लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, या जो उतने चालू नहीं होते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो या तो उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है या वो खुद ही छोड़ देते हैं। और जो बच जाते हैं वो ज़्यादातर चालू लोग होते हैं या बेईमान लोग होते हैं। मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 90% जो आरएम्स होते हैं वो आपका वेलविशर नहीं होता है।
उसके बैक ऑफ द माइंड सिर्फ ये होता है कि मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। और वो आपको कैसे आपको टारगेट करते हैं, बैंक के पास सारे कस्टमर की लिस्ट होती है, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, किसकी एफडी कहाँ मैच्योर हो रही है, किसके सेविंग्स बैंक में कितना अकाउंट होता है, ये सब रिपोर्ट आराम से निकल जाती है। तो जब वो रिपोर्ट निकलती है वहाँ से वो कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं कि जी इसकी तो एफडी मैच्योर होने वाली है या इसके पास रिटायरमेंट का पैसा आने वाला है। तो फिर वो आपको फ़ोन करेंगे, आपको बोलेंगे सर आपसे 10 मिनट का बस मुझे मीटिंग चाहिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ आपको, या बात करनी करना चाहती हूँ और आपको मैं थोड़ा गाइड करूँगी आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से वो आपके पास आएंगे, आपको तरह तरह की बातें करके कन्विंस करेंगे कि नहीं नहीं सर आप एफडी में पैसा मत रखिए, आप म्यूचुअल फंड में रखिए या इस स्कीम पे रखिए। इस तरीके से वो आपको प्रलोभन करेंगे। सच तो ये है दोस्तों कि उन्हें कोई टेक्निकल जानकारी नहीं होती है, ज़्यादातर लोगों को, मैं सबको तो नहीं कहूँगा लेकिन आप मान के चलिए कि 90% ऐसे होते हैं जिनको कोई खास जानकारी नहीं होती है म्यूचुअल फंड के बारे में या बाजार के बारे में। आप चाहें तो टेस्ट कर लेना, अगली बार जब वो आपके पास आएगा या आएगी तो आप उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेना कि भाई जैसे लिक्विड फंड और गिल्ट फंड में क्या अंतर होता है, या जो भाई आप मुझे टॉप के 3 लार्ज कैप फंड के नाम बताओ जिन्होंने पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है और ये बताओ कितना रिटर्न दिया है। तो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन आप पूछ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उनको कितनी जानकारी है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 90% लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि कस्टमर को बेवकूफ़ बना के अपना माल ऑफलोड कर दो। अच्छा, इसी तरीके से NRIs को भी फंसाया जाता है। अब NRIs के लिए एक अलग स्कीम उनकी होती है कि जब NRI इंडिया में आता है और कहीं पर ATM ट्रांजैक्शन करता है तो वो उसको तुरंत ट्रैक कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा अभी इंडिया में है। तो फिर वो उसको फ़ोन करके बोलते हैं सर आप सबसे हमें मिलना है, आपसे वो करना है, और फिर उनको तरह तरह से कन्विंस कर देते हैं। अब जब वो लोग आपसे वो RMs आपके पास आते हैं मिलने तो आपको लगता है कि अरे ये तो इतने बड़े बैंक से आए हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये तो बहुत जानकार लोग होंगे, ये तो हमें सही एडवाइस देंगे, आप उनके क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं करते। लेकिन दोस्तों देखिए, सिर्फ कोट पैंट पहनने से या बढ़िया शक्ल होने से हुनर नहीं आता है, स्किल नहीं आता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली वो लोग सेल्समैन होते हैं और उनको बस माल बेचना है उनको, और बस वो किसी भी तरीके से आपको माल बेचना चाहते हैं। तो आप देखिए कि हम किस तरीके का यहाँ पे अपने देश में बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं। बैंक का काम होता है आपकी सेविंग्स लेना, आपकी FD करना, आपको लोन देना, और इसी से उनको प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि बैंक वाला इंश्योरेंस बेच रहा है, म्यूचुअल फंड बेच रहा है, और प्राइवेट बैंक को तो छोड़िए, यहाँ तक कि सरकारी बैंक भी अब वही काम करने लगे हैं। तो बैंक में अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से प्रेशराइज करेंगे कि अपने कस्टमर्स को माल बेचो, और ऐसा माल बेचो जो कि मार्केट में इतना इतना रिस्क ओरिएंटेड हो, तो आप बताइए क्या हम अपने लोगों के साथ सही बर्ताव कर रहे हैं, सही न्याय कर रहे हैं। तो यहाँ जो समझने वाली बात यह है, ये सब मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई कि जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है कि जो बंदा आपको माल बेचने आया है क्या वो सच में आपका वेल विशर है, ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड को में प्रॉब्लम क्या है। पर्सनली मैं आपको कहूँ तो मैं म्यूचुअल फंड को पसंद नहीं करता, और आई विल शेयर विथ यू कि क्यों मुझे म्यूचुअल फंड पसंद नहीं है। पहला कारण ये है कि म्यूचुअल फंड कैन नॉट गो शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब म्यूचुअल फंड तभी प्रॉफिट कमा सकता है जब बाजार ऊपर जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है। जब बाजार नीचे जाता है तो म्यूचुअल फंड किसी भी हालत में प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक को लॉन्ग करते हैं या बाय साइड पे रहते हैं, वो शॉर्ट साइड पे नहीं रहते हैं। तो जब बाजार नीचे जाएगा तो भाई आपके स्टॉक्स तो नीचे जाएंगे, तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। जबकि FIIs जो हैं वो दोनों तरफ पोजीशन बना सकते हैं, उनको ये अलाउड है। वो जब बाजार ऊपर जाता है तो लॉन्ग भी कर लेते हैं, नीचे जाता है तो शॉर्ट भी कर लेते हैं, या डेरिवेटिव में भी पोजीशन बना लेते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड को डेरिवेटिव में पोजीशन बनाना अलाउड नहीं है। कुछ केस में थोड़ी बहुत उनको इजाज़त है हेजिंग वगैरह करने के लिए,
अदरवाइज वो डेरिवेटिव्स में पोजीशन नहीं बना सकते हैं, वो शॉर्ट में पोजीशन नहीं बना सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड का। इसी वजह से आप देखेंगे अगर उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे तो ज़्यादातर केस में वो बुल मार्केट में ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, रिटर्न देते हैं। अच्छा, कुछ जो म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेट में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो नीचे गिरते गिरते हुए मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं डेट मार्केट से। हम डेट मार्केट के आगे भी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों डेट फंड भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब बाज़ार नीचे जा रहा होता है तो म्यूचुअल फंड तो प्रॉफिट कमा नहीं पाते हैं, लेकिन उनका एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है भाई। वो उनके ऑफिसेज होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको तो सैलरी देनी है और उनके ऑफिसेज भी बड़े बड़े एक्सपेंसिव जगह पर होते हैं, तो ये उनके खर्चे कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट तो वो कमा नहीं रहे फंड से। आप जो SIP करते हैं उससे ही वो पैसा लेके अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, वो बाज़ार में भी नहीं लगाते क्योंकि उनको तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है ना। तो आप समझिए इसीलिए वो आपको फोर्स करते हैं, सर आप सिप कर लीजिए सिप कर लीजिए, ताकि एक महीने का वो उनको पैसा मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे। तो आप समझिए अगर 2 साल 3 साल तक अगर बेयर मार्केट चला और आपका फंड परफॉर्म नहीं किया और आप सिप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो सिप का क्या कर रहे हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी बांट रहे हैं, बोनस बांट रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप पैसा कमाएं या ना कमाएं, उनको तो भाई अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी थोड़ी कट करते हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छा एक मौका है कि भाई अरे ये तो लोग की SIP आ ही रही है, इन लोगों ने SIP की हुई है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। तो इस तरीके का एक गंदा खेल चलता है, इस वजह से मुझे म्यूचुअल फंड बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे TV पर ऐड आना शुरू हो जाएगा, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये तो लॉन्ग टर्म का है लॉन्ग टर्म का है। तो जब आप इनसे पूछने जाओगे भाई आपका फंड परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, अरे सर ये तो लॉन्ग टर्म का है। अब देखिए हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, आप अगर पढ़ेंगे या देखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, बैलेंस्ड, ELSS, फंड ऑफ फंड, गिल्ट, मनी मार्केट, तरह तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है आपको बट आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मोटा मोटा आप ये समझिए कि दो तरीके के म्यूचुअल फंड पे आपको ध्यान देना है। एक वो जो इक्विटी बेस्ड होते हैं, मतलब वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और एक वो जो डेट यानी कि बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में लगाते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों बॉन्ड अक्सर ऐसा होता है कि दोनों जगह लगाते हैं, लेकिन इक्विटी में 80% जो है वो इक्विटी में ही लगाते हैं, 20% बॉन्ड्स में या डेट मार्केट में लगाते हैं। और जबकि जो डेट होता है ये पूरा का पूरा डेट मार्केट में लगाते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है कि आपको इक्विटी वाले फंड में ही पैसा लगाना है। आपको ये बताया जाएगा कि नहीं नहीं सर डेट मार्केट में लगा लीजिए, डेट मार्केट ना सेफ होता है, FD से ज़्यादा रिटर्न आ जाता है, इस तरीके की बात बताई जाएगी आपको। आप ये समझ लीजिए कि कोई डेट बॉन्ड सेफ नहीं होता है। अभी आप देखिए कि यस बैंक के जो यस बैंक ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए और 10,000 करोड़ की वो बॉन्ड्स डेट म्यूचुअल फंड्स ने खरीद लिए, ठीक है। कौन कौन थे वो म्यूचुअल फंड? नामी गिरामी म्यूचुअल फंड। और वो डेट फंड पूरा जीरो हो गया, पूरा का पूरा पैसा डूब गया। और मैं आपको वो फंड्स के नाम बताता हूं, निपोन लाइफ, फ्रैंकलिन टेम्पलटन, SBI पेंशन फंड। इमेजिन करिए कि आपने जो पैसा पेंशन के लिए SBI को दिया, SBI ने वो पैसा यस बैंक के बॉन्ड में जमा कर दिया और वो पूरा का पूरा बॉन्ड डूब गया। एस बैंक ने बोला भाई हम आप बॉन्ड का सर्विस नहीं कर पाएंगे, हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये SBI इतना बड़ा बैंक, इतने काबिल लोगों को वो हायर करते हैं, उनको क्या इतनी भी खबर नहीं थी कि येस बैंक का बॉन्ड डूबने वाला है? तो अंदेशा तो ये है कि इनको सब पता होता है, लेकिन पब्लिक का पैसा है डूब रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इनकी जो सोच होती है ये म्यूचुअल फंड और ये आजकल के बैंक वालों की, कि ये तो सर्विस क्लास के लोग हैं, इनकी तो नौकरियां आई है, इनका पैसा डूबा तो क्या हुआ, फिर कमा लेंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके का हम फाइनेंशियल सिस्टम इस देश में बना रहे हैं। आदमी कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, जमाता है,
और उस पैसे को डूबने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इसमें थोड़ी गलती हमारी भी है कि हम आंख बंद करके अपना पैसा इन लोगों को दे देते हैं, ना उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ना अपनी कोई रिसर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गलती तो हमारी भी है ना। तो कमिंग बैक टू कि हमें कहाँ किस फंड में पैसा लगाना चाहिए, तो हमें इक्विटी फंड में पैसा लगाना चाहिए। इक्विटी में भी वो फंड में जो लार्ज कैप में या ब्लू चिप कंपनीज में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट करता है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि लार्ज कैप मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि लार्ज कैप जो है सूनर और लेटर जब भी दोबारा से मार्केट एक बॉटम आउट होता है तो उसमें अच्छी रिकवरी आ जाती है, तो 2-3 साल में हमें रिकवरी दिख जाती है। जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप का कोई भरोसा नहीं होता है, या तो कंपनी बंद हो जाती है या वो 1000% रिटर्न भी आ जाता है। तो इसलिए इक्विटी फंड में पैसा लगाइए और उस इक्विटी फंड में लगाइए जो लार्ज कैप या ब्लू चिप में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको डेट फंड में लगाना है पैसा तो सिर्फ आपको गिल्ट फंड में लगाइए। गिल्ट फंड क्या होते हैं? गिल्ट फंड वो होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। उसमें रिटर्न आपको एफडी या एफडी से थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको डेट में ही लगाना है तो गो फॉर गिल्ट। बाकी अगर डेट फंड्स होते हैं उसमें आप मान के चलिए कि उसमें इक्विटी की तरह ही रिस्क होता है, कोई सेफ्टी नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे तो हमारे बैंक्स में पड़ा हुआ डिपॉजिट भी सेफ नहीं है। आज देखिए पीएमसी बैंक डूबा, यस बैंक डूबा, कल किस क्या पता किसका नंबर है। बाजार में तरह तरह के रूमर्स घूम रही हैं, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 बैंक बड़े बड़े बैंक रिस्क जोन में हैं। अब वो अंदर में जाके क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में उनकी क्या स्थिति है, हम एज ए रिटेल यूजर हमें तो नहीं पता, हमें तो कोई आके नहीं बता रहा है ना। अब हम बात करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाना चाहिए। देखिए मैं एक रूल फॉलो करता हूँ कि बाजार में मैं उतना ही पैसा लगाता हूँ जितना, अगर जीरो भी हो गया तो मुझे आई विल सर्वाइव, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ। मैं अपने जो बेसिक जो मुझे सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए अगले 1 साल 2 साल के लिए, उसको छोड़ के मैं सारा पैसा बाजार में लगा सकता हूँ और लगा देता। कभी भी ऐसे काम मत करिए कि मान लीजिए कि अगले साल आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपने इस साल 5 लाख रुपए लगा दिए बाजार में, ये सोच के कि साल के अंत में बुक कर लूंगा और अगले साल उसे यूज़ कर लूंगा। अगर मान लीजिए लॉस हो गया तो आप वहां से पैसे कैसे निकालेंगे और कैसे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लान करके पैसा लगाइए और सिर्फ जो सरप्लस पैसा है जिसे आप अगले 4-5 साल तक आपको ज़रूरत नहीं है वही पैसा लगाइए। अब हम आते हैं उस गोल्डन क्वेश्चन पे कि आपको बाजार में पैसा कब लगाना चाहिए, कब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। देखिए दोस्तों, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं जो पेशेंट इन्वेस्टर होते हैं और एक इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट इन्वेस्टर कौन होता है? जिसको हमेशा ये डर लगा होता है कि यार अगर मैंने ये रैली मिस कर दी तो मुझे बड़ा दुख होगा। मुझे अभी कल परसों ही एक हमारे व्यूअर ने मेल लिखी और बोला कि मैं बहुत दिनों से करेक्शन का वेट कर रहा था, करेक्शन आ गया है, क्या मैं अभी खरीदूं? और अगर मैं ये रैली मिस कर दिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं। अगर आप इम्पेशेंट इन्वेस्टर हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एन इम्पेशेंट इन्वेस्टर। आप अगर इम्पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो आप 30% जब करेक्शन होता है बाजार में उस वक्त आप अपना 25% कैपिटल लगा सकते हैं। आपको मान लीजिए कि आपने 25% कैपिटल लगाया और वहां से बाजार वापस से न्यू हाई टेस्ट कर दिया। अब आप ये मत सोचिए कि अरे मैंने रैली मिस कर दी, अगर मैं उस टाइम 100% लगा लेता। आप ये सोचना गलत होता है। आपको ये सोचना है कि चलो मैंने कुछ तो पैसा बनाया। पेशेंट इन्वेस्टर वो होता है जो वो ये सोचता है कि खरीदूंगा तो मैं डर्ट चिप, रैली अगर मिस हो गई तो मिस हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कंसिडर माई सेल्फ अ पेशेंट इन्वेस्टर। इफ आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय डर्ट चीप। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो ये है कि जब 50% हाई से भाव गिरता है तो मैं खरीदने की सोचता हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं खरीद लूंगा, तब मैं खरीदने की सोचता हूँ। और अगर रैली आ गई, मैंने मिस कर दिया, तो दैट्स फाइन, बाजार बहुत मौके देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यूचुअल फंड कब खरीदें? अगर आप इम्पेशेंट हैं, आपको डर रहता है कि यार मैं रैली मिस ना कर दूं, तो अभी भी आप 25% खरीद सकते हैं। लेकिन क्या खरीदना है, कौन से म्यूचुअल खरीदना है, वो मैंने अभी पहले आपको बताया, आप उस पर ध्यान पे रख के खरीदें। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप जब आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी जब 50% गिर जाए
तब आप खरीदना शुरू करिए। दोस्तों देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे पिछले 5 साल का एक परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे वो का दिखा रहा हूँ। आप इसमें देखिए, 5 साल में अगर आप देखेंगे तो कोई खास रिटर्न नहीं आया है, एक करेक्शन होगा और सारा आपका रिटर्न चला जाएगा। तो आप देखिए तो ज़्यादातर जो रिटर्न है वो -6% से लेके +10% के बीच में है। तो 5 साल में यही आप कमाएं। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा कमाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो जब आपका NAV उस पर्टिकुलर फंड का NAV जब 50% गिर जाए, तब आप म्यूचुअल फंड को खरीदिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको एक लार्ज कैप फंड का NAV चार्ट दिखा रहे हैं पिछले कई सालों का। तो आप उसमें देखिए कि जब जब क्रैश होता है और उसका NAV 50% जब गिर जाता है, तब आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको एक अच्छे रेट पर वो म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं और तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप देखिए 2000 क्रैश के पीक पे इस फंड का NAV था 55 और क्रैश के बाद हो गया 16। तो अगर आपको कायदे से इसको 27, 28 जब NAV होता था, तब आपको इसको खरीदना चाहिए था। अब अगर 2008 में देखें, आप 2008 में इसका जो पीक NAV था वो 190 था और वहां से वो गिर के 90 तक आया। तो वंस अगेन आप देखिए, अगर 50% करेक्शन पे आप खरीदते तो आप अच्छे भाव पे खरीद सकते थे। अभी की अगर बात करें तो ये फंड का NAV का जो रिसेंट हाई था वो 480 था। तो जब ये 240 के आसपास पहुंचे, मेरे हिसाब से तब आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए। 240 से 200 के बीच में भी आप खरीदेंगे, उसके बाद हो सकता है 6-8 महीने आपका वो लॉस में ही रहे, लेकिन एक अच्छे दर पे आप खरीदेंगे और इसमें बहुत अच्छे चांस रहेंगे कि आपकी रिकवरी हो जाएगी। अगर करेंटली आप खरीदते हैं तो भी शायद आपकी रिकवरी हो जाए, लेकिन ये आपको ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मुझे खरीदना हो तो मैं इस फंड को 240 से नीचे आने पर ही खरीदूंगा। अगर अपॉर्चुनिटी छूट गई तो छूट गई, कोई बात नहीं, मैं किसी और अपॉर्चुनिटी का वेट करूँ। सो दोस्तों, ये था हमारा म्यूचुअल फंड का वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं म्यूचुअल फंड पे कुछ और वीडियोज भी बनाऊंगा, और अगर आपको वीडियो कुछ खास पसंद नहीं आया तो ये मान के चलिए कि ये मेरा ये म्यूचुअल फंड के ऊपर आखिरी वीडियो है। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे।